दीपिका प्रियंका के बाद इस साल शादी कर सकते हैं फरहान अख्तर, ये सेलिब्रिटी बनेंगी दुल्हन। नए साल के जश्न के बीच फरहान अख्तर एक बार फिर से अपनी गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर को लेकर सुर्खियों में है। बीते साल से फरहान और शिबानी के अफेयर की खबरें आ रही हैं, हालांकि शिबानी इन अफवाहों से इनकार कर चुकी हैं। वहीं अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि फरहान और शिबानी ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है और जल्द ही दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक फरहान और शिबानी अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर हैं। यहां तक कि फरहान के बच्चे भी शिबानी के साथ कंफर्टेबल हैं। ऐसे में दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं। यह दोनों अक्सर एक साथ देखे जाते हैं। यहां तक कि नए साल का जश्न भी फरहान और शिबानी ने एक साथ मनाया। सोशल मीडिया पर इन दोनों के नए साल की जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर 31 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर शिबानी दांडेकर ने पोस्ट की थी। इस तस्वीर में शिबानी और फरहान एक साथ काउच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। शिबानी और फरहान के रिश्ते को उस वक्त हवा मिली जब दोनों एक साथ दीपिका और रणवीर के रिसेप्शन में नजर आए। शिबानी से पूछा गया कि पब्लिक का नजरिया आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित करता है। इस पर शिबानी दांडेकर ने कहा, दृश्य व्यक्ति पर निर्भर करता है, आप कैसे लेते हैं। कुछ लोग हैं जो इससे बहुत प्रभावित होते हैं और कुछ परवाह ही नहीं करते। जब आप सार्वजनिक स्थान पर काम कर रहे हैं तो समझ का एक स्तर होना जरूरी है। दुनिया आपको देख रही है, इसलिए आपको डील करना पड़ता है। यह हमेशा आसान नहीं होता। फरहान की पहली पत्नी की बात करें तो अधूना से साल 2016 में तलाक ले लिया था। फरहान अख्तर और अधूना भवानी की पहली मुलाकात साल 1997 में जुहू के एक नाइट क्लब में हुई थी। 3 साल तक डेट करने के बाद 2000 में फरहान अख्तर ने उम्र में 6 साल बड़ी अधूना से शादी कर ली थी। इस कपल की 2 बेटियां शाकिया और अकीरा हैं। 16 साल साथ रहने के बाद यह दोनों एक दूसरे से अलग हो गए।